नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग में आपका स्वागत है। दिनेश अग्रवाल मैं आपको रीजनिंग के चैप्टर्स में से आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं रैंकिंग टेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। रैंकिंग टेस्ट एक आधार अध्याय है, एक बेसिक लेसन है फॉर द पर्पज ऑफ रीजनिंग। अगर मैं इसके यूजेस करने वाला हूँ तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो फैक्ट में आगे के जो चैप्टर्स में काम आने वाले हैं उनमें से क्यूब की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो क्यूब के लिए पहले से डिस्क्राइब किया जा चुका है। क्यूब एक 3D स्ट्रक्चर होगा विद इक्वलेंट टू लेंथ, विड्थ एंड हाइट। क्यूब जैसा कि पहले हम लोग जान चुके हैं इसके बारे में, घन एक त्रिविमीय संरचना है जिसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी सतह सभी साइड बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। विद द कैरेक्टर ऑफ सरफेस कितनी है यहां पर, 6, 6 सतह है। कॉर्नर 8 और एजेस 12। यहां पर सतह 6, किनारे 8 और सतह 6, कोने 8 और किनारे 12 हैं। ये पहले से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो ये कि घन को अगर एक कलर में डुबाया जाए, सुखाया जाए और छोटे घनों में काट लिया जाए तो कितने छोटे घन बनते हैं,